जिला मुख्यालय बिहार शरीफ स्थित धनेश्वर घाट के कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के जनक भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 77वीं जयंती जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार की अध्यक्षता में मनाई गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि हमारे दिवंगत नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी एक नरम दिल इंसान थे, साथ ही देश की रक्षा के लिए कड़ा निर्णय लेने में भी सक्षम थे। आज पूरे हिंदुस्तान के नवयुवक जो 18 साल में वोट दे रहे हैं, यह उन्हीं की देन थी कि जिन्होंने वोट देने की आयु सीमा को घटाकर 18 वर्ष किया था। आज पंचायती राज में पंचायत की मजबूती जो सामने दिख रही है, वह इन्हीं का देन है। इन्हीं की सोच के तहत पंचायतों की राशि को सीधा पंचायत तक भेजने की व्यवस्था एवं पंचायत को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया था। आज हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय नालंदा राजेंद्र आश्रम में अपने दिवंगत नेता भारत रत्न सूचना एवं प्रौद्योगिकी के जन्मदाता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 77वीं जयंती मना रहे हैं। साथ ही आज जो हम लोग देख रहे हैं आपके हाथ में या हमारे हाथ में जो भी मोबाइल और कंप्यूटर देख रहे हैं, ये देन इन्हीं की है। सूचना और प्रौद्योगिकी के मामले में बहुत ही आगे इनका सोच था, साथ ही जो आज देश में पंचायती राज व्यवस्था को देख रहे हैं, ये इन्हीं की देन थी। और साथ ही सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे विश्व में कठोरतम निर्णय लेने वाले जो कि दुश्मनों को मतलब मुंहतोड़ जवाब देने के मामले में हमारे राजीव गांधी जी का कोई जवाब नहीं था। बहुत लोग इनकी सिर्फ जो है सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जानते हैं। कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो डिसीजन लिया जाता था, आज एक सर्जिकल स्ट्राइक छोटा सा होता है तो लोग इतना प्रचार करते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। वैसा सैकड़ों सर्जिकल स्ट्राइक राजीव गांधी जी के द्वारा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो और पीछे भी गुजरी है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी के द्वारा, सैकड़ों निर्णय लिया गया, लेकिन कहीं कोई इस तरह का प्रचार प्रसार नहीं किया गया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। आज आप देख रहे हैं एक पूरे देश में ट्रेंड चल रहा है, मुफ्त टीका, जबकि इसके पहले सैकड़ों बार ऐसा समय आया है। और आप देख रहे हैं 20-25 सालों से लगातार कांग्रेस पार्टी के राज में ही उसी समय से पल्स पोलियो अभियान के तहत टीका मुफ्त में दिया जा रहा है। हम लोग बचपन में देखे, हम लोग को भी 3-3 टीका का अभी तक निशान है। तो कहीं ना कहीं इसका कहीं प्रचार हम लोगों के द्वारा, हमारे पार्टी के द्वारा या हमारे नेताओं के द्वारा नहीं किया गया कि हम लोग मुफ्त टीकाकरण करा रहे हैं। टीकाकरण राष्ट्रीय आपदा पर किया जाता है, तो वो मुफ्त और पैसा लगने की बात ही नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं देश के नागरिक से सम्मान से जुड़ा हुआ होता है। तो आज जो ट्रेंड चल रहा है उसको हम लोगों को बदलना है, और हम सभी कांग्रेसी स्वर्गीय राजीव जी के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित हैं। और आगे भी जब भी देश पर किसी भी तरह का विपदा आएगा, हम लोग राजीव गांधी, इंदिरा जी को और नेहरू जी को याद करते हुए, उनसे सीख लेते हुए, उनसे हिम्मत और साहस लेते हुए हम लोग देश को बचाने में तत्पर रहेंगे।